स्टार्ट। क्लियर है? तो आपको नमस्कार करते हैं। यह क्लास 10 है और यह बहुपद है, लेसन 2 बहुपद पॉलिनोमियल है। आज दूसरा दिन क्लास इसका है। लिखते हैं और आज काला स्याही दे दिया आज भर, तो आज भर रुके सु पढ़ लो, कल से स्याही ब्लू आ जाएगा। आज काला स्याही दिया गया है। तो बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मेरी खबर देखो खबर है, हाँ ठीक है। तो जब क्लास 10 बहुपद लेसन 2 स्टार्ट, आज दूसरा दिन क्लास बहुपद क्या है, तो बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। आज भर काला से आई है, कल से नीला आ जाएगा। तो जब बहुपद के व्यापक रूप में धनात्मक चिन्ह के स्थान पर, देखे कैसे दिक्कत हो रहा, धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कॉमा दिया जाता है, ऐसा कॉमा दिया जाता है, उसे बहुपद का पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बहुपद के व्यापक रूप में धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कॉमा दिया जाता है, तो उसे बहुपद का पद कहते हैं। कल बताए थे, और अपलोड थोड़ा देरी हो जाओ, जो कल का अपलोड हो गया, आज नमा अपलोड नहीं हुआ, तो मैंने कल नहीं हुआ था हो गया, तो 200 वीडियो पार करता है तो ऐसी हो जाता है। तो ध्यान देना, पूरा मन से अपलोड नहीं हो तो पढ़े मन से पढ़, तो उसे बहुपद का पद कहते हैं। जब बहुपद के व्यापक रूप में धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कॉमा दिया जाता है, उसे बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं, उसे बहुपद का पद कहते हैं। तो कल बताए थे एग्जाम्पल में, तो बहुपद का व्यापक रूप ए जीरो एक्स जीरो ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू डॉट 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 ए एन एक्स एन बहुपद का व्यापक रूप है। कल बताए थे कि घातपूर्ण संख्या में हो और गुणांक वास्तविक संख्या में होता है, उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजगणितीय पद जिसका घातपूर्ण संख्या में हो और गुणांक वास्तविक संख्या में होता है, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का व्यापक रूप ए जीरो एक्स जीरो ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू ए एन एक्स एन। तब देखिए, यह घात जीरो है तो इसका बहुपद का पद लिखना है, तो बहुपद का पद ए जीरो एक्स जीरो ए जीरो एक्स जीरो प्लस के स्थान पर कॉमा, फिर ए वन एक्स वन प्लस के स्थान पर कॉमा ए टू एक्स टू डॉट 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 ए एन एक्स एन, ये बहुपद का क्या है, पद है। एग्जाम्पल 2, इसे 2x पर पावर 4 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5
तो बहुपद का पद क्या होगा जी? बहुपद का पद क्या होगा? तो 2x पर पावर 4 प्लस के स्थान पर कॉमा, 2x पर पावर 4 और प्लस के स्थान पर कौन है, 2x पर पावर 4 कॉमा 3x का स्क्वायर कॉमा 4x कॉमा और 5। 2x पर पावर 4 3x स्क्वायर 4x और कॉमा क्या है 5। ये बहुपद का क्या है? पद है। तीसरा पॉइंट इससे तुमको रहता है कि 2x स्क्वायर या 5x पर पावर 10 माइनस 2x पर पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इसका बहुपद का पद लिखे। बहुपद का पद यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो परिभाषा क्या है? धनात्मक चिन्ह के स्थान पर कॉमा दिया जाता है, उसे बहुपद का पद कहते हैं। इसे देखिए, अब है हल में देखें तो 5x पर पावर 10 2x पर पावर 5 3x स्क्वायर 4x माइनस 6 यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ व्यापक में क्या है? प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस है। इसलिए इसको ऐसे हैं कि 5x पर पावर 10 अब प्लस माइनस 2x पर पावर 5 5x पर पावर 10 अब प्लस माइनस 2x पर पावर 5 अब प्लस 3x पर पावर 2 अब प्लस 4x माइनस 6। तो बहुपद का पद देखो अंतर है, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस को अंतर नहीं है। और यहाँ क्या लिखे? माइनस प्लस दे दिया, माइनस 2x पर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 5x पर पावर 10 कॉमा माइनस 2x पर पावर 5 कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4x कॉमा मान, यहाँ प्लस छिपा रहता है, यहाँ प्लस छिपा रहता है, यहाँ प्लस छिपा रहता है, यह बहुपद का क्या है? पद हो गया। समझ में आ गया होगा, तो इतना काहे लिखेंगे, डाल लीजिए। यहाँ प्लस छिपा रहता है, यहाँ प्लस छिपा रहता है, यहाँ यहाँ प्लस छिपा रहता है, तो उसे बहुपद का पद कहते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर देते हैं, बड़े देते हैं बहुपद का पद, जैसे इसे यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल 4, 2x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। तो बहुपद का पद 2x पर पावर 3 कॉमा, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। यहाँ यहाँ 2x³ कॉमा माइनस 3x² कॉमा माइनस 8x और माइनस क्या है? 5। बहुपद का क्या है? पद है। यह क्लास 10 है, बहुपद है। अब देखिए समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ
अब देखें देखो ये बहुपद का पद हो गया। अब है अगला, अगला है आपको अष्टार में कि अब यह बहुपद का मान, यानी बहुपद का मान, बहुपद का मान वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान तो क्या देखो, तो जब किसी और काला शाही दे दिया, जब किसी बहुपद में चर का मान दिया जाता है, चर का मान दिया जाता है इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं। बहुपद का मान कहते हैं, यानी जब किसी बहुपद में चर का मान दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का क्या कहते हैं, मान कहते हैं। इसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बहुपद मानी, कोई मान सकते हैं, कोई सो मान लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये भी सही है। तो अगर इसमें x चर है, x क्या है चर है, यदि हम x का मान देते हैं 0 या देते हैं -1 कोई दिक्कत नहीं है, x का मान -1 तो p-1 बहुपद कल बताया थे, बहुपद को डिनोट किया जाता है px से, qx से, rx से, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का मान -1 तो p-1 तो p का यहाँ चर कौन है x, देखो ना px तो यहाँ चर x है, अब बहुपद क्या है px, px में एक्स चर है, अब बहुपद क्या है पी एक्स, बहुपद क्या है पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स डिनोट किया जाता है बहुपद को, तो चर का मान दिए -1 तो -1 दिए तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बराबर 3, अब एक्स का मान को दे 0 नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो पी 0 तो पी का स्थान पर पी एक्स स्थान पर 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 तो 0 प्लस 2 बराबर 2, एक्स का मान 1 पी 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 बराबर 3 क्वांटम में है, कुछ भी मान दे सके है, तो मान कुछ भी दे सकते हो 4 तो पी 4 तो पी के स्थान पर पी एक्स के स्थान पर 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 तो 4 चौका 16 प्लस 2 तो 16 2 कितना 18, तो कह सकते देखिए यहाँ तो 4 का मान -1 0 1 4 यहाँ ऐसे लिख देते हैं, तो 4 का मान, चर का मान एक्स बराबर एक्स यहाँ है, चर का मान एक्स बराबर -1 0
एक चार, ये चार का मान है, माइनस वन जीरो एक चार, ये चार का मान है। अतः बहुपद का मान पी एक्स बराबर, बहुपद का मान पी एक्स बराबर, देखिए पी एक्स का मान देखें, पी एक्स के तीन, जब चर का मान माइनस वन दिए हैं तो पी माइनस वन कितना तीन, तो चर का मान माइनस एक तो बहुपद का मान तीन, तो यहाँ तीन हो गया। जब चर का मान जीरो तो बहुपद का मान दो, जब चर का मान एक तो बहुपद का मान तीन, जब चर का मान चार तो बहुपद का मान अठारह, यही हुआ। ये चर का मान हुआ, ये बहुपद का मान हुआ। तो जब किसी बहुपद में चर का मान दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मान को बहुपद का मान कहते हैं। तो बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस दो, तो पी माइनस वन का स्क्वायर प्लस दो, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस दो बराबर तीन, एक्स बराबर जीरो, पी जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस दो, जीरो प्लस दो बराबर दो, एक्स बराबर वन, पी वन, वन का स्क्वायर प्लस दो, वन प्लस दो बराबर क्या है तीन, एक्स बराबर चार, पी फोर, चार का स्क्वायर प्लस दो, चार चौका सोलह प्लस दो अठारह। इसे चर का मान क्या है, माइनस एक, माइनस जीरो एक चार, तो बहुपद का मान हो गया तीन दो, तीन दो तीन अठारह। ये बहुपद का क्या है मान हो गया, कितना आसान है। अब देखो, अब तब है बहुपद का शून्यक या शून्यांक। अगला है बहुपद का शून्यक या शून्यांक। अब मेन पॉइंट आएगा इसके बाद, बहुपद का शून्यक या शून्यांक। देखिए है, बहुपद का शून्यक या शून्यांक, बहुपद का शून्यक क्या क्या है शून्यांक। अगला पॉइंट है, बहुपद का शून्यक या शून्यांक, बहुपद का शून्यक या शून्यांक, जीरो जो पॉलिनोमियल, जीरो बहुपद का शून्यक या क्या है शून्यांक। अब क्या देखिए है, तो चर का वैसा मान किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को, बहुपद को शून्य कर देता है, जो बहुपद को शून्य कर देता है, उसे बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहते हैं।
किसी बहुपद में चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है उसे बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहते हैं। इसलिए बताते देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, ऐसे कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ का शून्यांक निकालें, जीरो शून्यांक निकालना है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ का शून्यांक निकालना है। तो हल है क्या इसका, देखिए इस बहुपद का संगत समीकरण, इस बहुपद का संगत समीकरण यानी जो बहुपद है उसका कौन संगत करने क्या समझे, इसी बहुपद का समीकरण। बहुपद का समीकरण क्या होता है कि जब बहुपद शून्य के बराबर हो उसे समीकरण कहते हैं। वो बताए थे द्विघात बताए थे, तो इस बहुपद का संगत समीकरण इसका समझ में आ रहा है कि संगत में क्या, इसी बहुपद का समीकरण थे एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ बराबर जीरो। वो जीरो लाना है कि कौन सा मान जीरो हो जाए तो जीरो शून्य लाना है। अब इसका मध्य पद को बांटना, द्विघात में पढ़ाए थे इसे कि एक्स स्क्वायर गुने छ, छ एक्स स्क्वायर और छ को तोड़ दो, दो तीन में दो तीन एक्स, यहाँ पाँच है, प्लस दो प्लस तीन फाइव एक्स, दो एक्स गुने थ्री एक्स बराबर छ एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो मिल गया ये, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस छ एक्स टू जीरो। एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, तीन कॉमन एक्स प्लस टू बराबर जीरो। एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, तीन कॉमन एक्स प्लस टू बराबर क्या है जीरो। एक्स प्लस टू कॉमन एक्स प्लस तीन बराबर क्या है जीरो। यहाँ क्या गुणन खन, दो गुणन खन, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो माइनस टू, एक्स बराबर यह एक ही बात है। तो ऐसे करने से डायरेक्ट कौन दिक्कत है, ये सब तो पहले हो एक्स बराबर माइनस टू, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस तीन, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन, माइनस दो और माइनस क्या है तीन। फिर समझो, चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है उसे बहुपद का शून्यक या शून्यांक कहते हैं, इसके मूल कहते हैं, मूल द्विघात में पढ़े थे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस छः का शून्यांक याद करें, बहुपद है तो जब बहुपद अचर पद या शून्य लाना शून्य के बराबर होता है उसे समीकरण कहते हैं, और शून्य भी लाना हमको है। एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस छः स्क्वायर टू जीरो, मध्य पद को बांटना, द्विघात समीकरण बताए थे और मध्य पद को बांटते थे, पाँच के तीन प्लस पाँच को लिखे हैं टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस छः स्क्वायर टू जीरो, एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, तीन कॉमन एक्स प्लस टू स्क्वायर टू जीरो, एक्स प्लस टू कॉमन एक्स प्लस तीन स्क्वायर टू जीरो। एक्स प्लस टू यहाँ दो गुणनखंड है, इतना बराबर जीरो प्लस टू माइनस, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो प्लस टू माइनस, अतः बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस प्लस छः का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन। आप देखिए इसको जांच कर लो सही है कि नहीं, कि चर का वो ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, ये जांच किया जाता है रफ कार्ज में। जांच जांच देखो जांच क्या है कि जब
एक्स बराबर क्या है माइनस दो, एक्स का मान क्या है माइनस दो, तो दो मान दे एक्स स्क्वायर प्लस छ, तो माइनस दो का स्क्वायर पांच इंटू माइनस दो छ, माइनस दो का स्क्वायर चार, पंदूनी दस छ, पूछना सही कि बोल रहे अच्छा अपने तो छ चार दस माइनस दस बराबर क्या है जीरो, सही है। जब एक्स बराबर माइनस तीन, एक्स का माइनस तीन भी आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छ, तो माइनस तीन का स्क्वायर पाँच इंटू माइनस तीन प्लस छ, तो माइनस तीन का स्क्वायर नौ, अब प्लस माइनस माइनस पाँच तीन यही पंद्रह प्लस छ, तो नौ छः पंद्रह, तो पंद्रह माइनस पंद्रह कट गया जीरो, सही है। तो चर का वैसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है उसे शून्यक या शून्य कहते हैं, उसे शून्यक या शून्यांक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर टू माइनस टू, तो माइनस टू दिए एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स का मान माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वायर एक्स का मान माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू का स्क्वायर फोर, प्लस माइनस माइनस पंद्रह दस प्लस सिक्स, छः प्लस सिक्स प्लस फोर टेन, माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स का मान की बोल एक्स ठीक बोला माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस क्या है छः, क्या बोला ठीक है बढ़िया। एक्स का मान माइनस तीन का स्क्वायर, एक्स का मान माइनस तीन प्लस छः, माइनस तीन का स्क्वायर नौ, प्लस माइनस पंद्रह प्लस छः, नौ छः पंद्रह घटा पंद्रह स्क्वायर टू क्या है जीरो, यानी सही निकाले हैं, ये शून्यांक हो गया। आप देते हो तुम आने से निकाल शून्यांक, तो अपने से दिखाते पूरा पढ़ा है शून्यांक, लो क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन। तब आते हैं मेन पॉइंट, अब आ रहा है ये जहाँ बनाए तो इसमें दो गो थ्योरम है, देखो बना करके निकाल शून्यक बता देते हैं, तैयार है क्या रहा सब तैयार है कपिल का सब कॉपी का निकाल ताकि अपलोड नहीं हुआ हो, हाँ निकाल अब इसे बनवाएंगे कौन से, तो अब बनवाएंगे जी सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस तीन का शून्यांक निकालेंगे ना, फर्स्ट चलिए शून्यांक ज्ञात करें, आंसर नहीं आंसर नहीं थे क्या जी बैठे हैं, अरे राइट क्या नाम इसका है, फैला जा दिया है पिंटू कुमार नौर नो दो माइनस नो दिया है ना, हाँ तीन बटा दो राइट ये सही है, तीन बटा दो एक बटा तीन किसका है ये कौन है ये
निशा कुमारी ने, निशा कुमारी सब नौ दू दे रहा है, ये कैसे कर रहा है? ओ चलो, अब आ रहा है बहुत अच्छा पॉइंट, ये जहां समझा वो लेसन बना देगा। इसके बाद इसको बताते हैं, ये तुमको द्विघात में बताए थे, इसको द्विघात में था गुणनखंड विधि से हल करना, हम तुमको बता दिए हैं गुणनखंड से हल करना था, द्विघात में बता दिए। देखें गुणनखंड से हल करना तुमको बता दिए, ऐसे हल इस बहुपद का संगत समीकरण 6x² - 7x + 3 0। बताए थे कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि था पूर्ण वर्ग विधि था, सिद्धाचार्य का नियम, द्विघात सूत्र, अब गुणनखंड विधि था, गुणनखंड बताए थे। अब देखो इसमें क्या है, मध्य पद को बांट दो, 6x² - 3 तो 6×18 - 18x². ठीक है, देखो तो 2x - 9x - 3 0 का अंतर है, 2x - 9x - 7x। अब देखा यहाँ पर 2x कॉमन ले लिए तो द्वितीया ही 6 3x + 2, यहाँ 2x कॉमन लिए हैं तो द्वितीया ही 6x² - x और प्लस 2 और माइनस 3 कॉमन लिए हैं तो 3×3 = 9 3x ओ यहाँ एक ना हो गया था, 2 को मत एक ना होगा पागल, ठीक है 2x को मन 2×3 = 6 3x और 2 बाहर तो यहाँ एक बचा, माइनस 3 को मन तो 3×3 = 9 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 = 0 सही तो है कि 2x को मन तो 2×3 = 6 3x और 2 बाहर 1 माइनस 3 को मन 3×3 = 9 माइनस माइनस प्लस 1 इसका टू क्या है 0 तो 3x + 1 कॉमन तो 2x - 3 = 0 अब गुणनखंड हो गया तो 3x + 1 = 0 3x - 1 x - 1/3 ऐसे होगा ये 2x - 3 = 0 2x = 3 x = 3/2 चाहता और गलती बना था। अतः बहुपद 6x² + 2x 6x² - 7x 0 का शून्यांक -1/3 3/2 - 1/3 3/2 समझ में आ गया, लेकिन कुल नहीं बनाया, ये हमको बहुत चिंता विषय है। अच्छा चलो एक हिस्सा और देते हैं, अगर तुम अभी नहीं बनाओगे तो चिंता विषय हो जाएगा। चलो देते हैं, चलिए भाई तो टेस्ट।
टेस्ट, टेस्ट है 9x2 9x2 - 6x+1 9x2 - 6x+1 का शून्यांक निकालें। बनाओ अरे बना के पाले चलो जी 9x2 - 6x+1 = 0 9x2 - 6x + 3 - 3 - 6x - 3x - 3 - 6x - 3x - -3x - -6x - 9x2 मिल गया। देखो तो 9x2 - 3x - 6+1 = 0 3x कॉमन 3 - 9 - 3x - 1 - 1 कॉमन 1 कॉमन है 3x + -1 = 0 तो क्या कॉमन है 3x - 1 कॉमन है 3x - 1 = 0 तो 3x - 1 = 0 3x = 1 x 1/3 बराबर आया। तो बहुपद 9x2 - 6x - 1 का शून्यांक। चलो इतना लाया देखो तो 1/3 लाया है 1/3 हाँ ठीक है 3 है माइनस नहीं ठीक तो है माइनस तो प्लस प्लस तो मान गुना तो भाग कि माइनस ठीक तो है माइनस कहाँ से है 1/3 अब तुम लोग क्या करो कि तुम लोग अस्थिर हो जाओ और एक ऐसा पॉइंट आप प्रमेय ऐसा रहा है कि उसको जहां तुम समझे हो लेसन खत्म कर देंगे इसी पर सब लेसन। अब तुम लोग क्या करो खाली देखना मन से इतना अच्छा थ्योरम है खाली मन से देखना लो खाली मन से देखना बहुत टाइम लगता
चलो हाँ, अब देखो, अब जो भी है कैंडिडेट खाली क्वेश्चन लिख लो और तुम बैठ जाना। ये थ्योरम है, इसमें दो गो परमेय है, क्वेश्चन लिख के बैठ जाना बस। अब पूरा समझाएंगे और जब समझा लेंगे तब तुमको बोलेंगे समझा कि नहीं। चलो इस पर पूरा लेसन बन जाएगा तुमको तुरंत 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 तुरंत। देखिए ना, अब तुम आराम से बैठ जाना, अब तुमने बढ़ाना है, इसमें टाइम पूरा लगता है टाइम। अरे मुझे उलट रह लिया, लिखते हैं लिखते लिखते हैं, रुको ना। इसमें दो थ्योरम है, हाँ मिल गया ये, हाँ परमेय, परमेय फर्स्ट है। तो परमेय क्या है, यदि अल्फा बीटा, परमेय फर्स्ट है, यदि अल्फा कॉमा अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, पढ़ाए थे यथी में द्विघात पढ़ाए थे, अल्फा बीटा मूल होता है, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस को सौतरना बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है तो साबित करें कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा सी बटाए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा सी बटाए। देखो ये वो साबित किए थे तुमको, द्विघात समीकरण साबित किए थे कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। तुम्हारा सिद्ध कर दिए थे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए अल्फा इंटू बीटा सी बटाए, जोड़ते थे अल्फा बीटा को, याद करो वैसे निकाले थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, तो अल्फा हुआ था तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए, बीटा बराबर माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए, दोनों था। आ जब जोड़े थे अल्फा जोड़ बीटा तो ये कट गया था, तो आया था माइनस टू बी बटा टू ए कट गया, माइनस बी बटा ए सिद्ध किए थे। तो हाँ अलग नियम से सिद्ध हुआ था, यहाँ अलग से साबित हो, याद रखिएगा। अब स्टार्ट, ये जहाँ समझा लेसन, लेसन तुमको ख़त्म कर देंगे, इस पर ही लेसन है, दो परमेय है, आराम से बैठ जा बेटे। देखो ये है क्या, जैसे समझे यहाँ समझना, यहाँ जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस
पांच एक्स प्लस छ बहुपद है, बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस छ, एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू अब प्लस तीन कॉमन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कॉमन एक्स प्लस तीन, इसका गुणनखंड आया और तब इसका संगत समीकरण एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इजकल टू जीरो, जीरो हो जाता है। और तब एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस टू, एक्स प्लस तीन जीरो, एक्स बराबर माइनस तीन, माइनस तीन। तो बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ का शून्यांक माइनस दो और माइनस तीन, माइनस दो माइनस तीन। अब देखिए माइनस टू माइनस तीन यानी बहुपद है, इस शून्यांक निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस छ प्लस छ एक्स कॉमन, एक्स प्लस टू तीन कॉमन, एक्स प्लस टू क्या कॉमन है, एक्स प्लस टू, हाँ एक्स प्लस तीन होगा। इसका संगत समीकरण एक्स प्लस टू बराबर जीरो प्लस टू माइनस, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो प्लस टू माइनस, एक्स का मान माइनस टू, एक्स का मान क्या है माइनस तीन। तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः का शून्यांक माइनस दो और क्या है माइनस तीन। माइनस दो और क्या है माइनस तीन है। अब देखो अब क्या है, अगर तुमको ऐसे कह दे कि अभी समझा रहे हैं, यदि बहु यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद का शून्यांक, शून्यांक माइनस दो माइनस तीन तो बहुपद निकाले। समझना है पूरा, कैसे समझ, पूरा समझना है एकदम शांति से बैठ के। यानी बहुपद का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन तो अब बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन है, माइनस दो माइनस तीन है, तो यह किसका मान है, एक्स का मान है, यह किसका मान है, एक्स का मान है। जो भी शून्यांक होता है किसका मान होता है, एक्स का मान होता है ना, इसका शून्यांक निकाले तो एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर माइनस तीन, किसका मान है, एक्स का मान है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक्स बराबर माइनस दो, एक्स बराबर माइनस तीन, एक्स का मान है। तो एक्स बराबर किसी बहुपद का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन तो बहुपद निकालें, तो एक्स का मान माइनस दो, एक्स का मान माइनस तीन, शून्यांक किसका मान होता है, एक्स का मान होता है, एक्स का मान माइनस दो, एक्स का मान माइनस तीन, माइनस दो प्लस एक्स प्लस दो बराबर जीरो, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, एक्स प्लस तीन बराबर क्या है जीरो, माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस। अब देखो है इसका उल्टा देखो, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस, ध्यान देना पूरा, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस तीन, तो माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, प्लस तीन बराबर जीरो। अब देखो इसके बाद किस में आ गया, गुणनखंड में आ गया। देखो ऐसे उल्टा चलता है, ऐसा उल्टा
इसके बाद क्या लिखाएगा, लिखाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन इजकल टू क्या है, जीरो। देखो ये जीरो है ना, तब इसका संगत संगत बहुपद, संगत बहुपद जीरो हट जाएगा। अगर समीकरण लाना है तो जीरो, और फिर लाना बहुपद तो जीरो हट जाएगा। तो देखो क्या आता है, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन गुना कर दो, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुने दो टू एक्स, तीन गुना एक्स थ्री एक्स, तीन दूनी छः, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः। देखो यही आ गया, देखो अरे उल्टा चलना है इसमें, इसमें उल्टा चलना है, इसका शून्य निकालिए, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और संगत समीकरण बराबर क्या है जीरो, एक्स प्लस टू जीरो प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस, तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस प्लस छः का शून्यांक तो माइनस दो और क्या है माइनस तीन। अब शून्यांक दिया रहेगा तो निकालना है बहुपद, यदि शून्यांक दिया रहेगा तो निकालना है बहुपद, निकालना है यदि शून्यांक दिया क्या निकालना बहुपद, तो उल्टा चलना है। देखिए ये शून्यांक माइनस दो माइनस तीन तो बहुपद निकाले, ध्यान दो, क्योंकि तो शून्यांक किसका मान होता है एक्स का मान, शून्यांक किसका मान है एक्स का मान, शून्यांक किसका मान है एक्स का मान, तो एक्स बराबर माइनस टू एक्स बराबर माइनस तीन, माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए उल्टा। अब इसके बाद एक गुणनखंड है, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन इजकल टू जीरो, एक्स प्लस टू इंटू तीन बराबर क्या है जीरो, तो संगत बहुपद जीरो हट जाएगा, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस क्या है तीन। अब एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, दो गुने एक्स टू एक्स, तीन गुने एक्स थ्री एक्स, तीन दूनी छः, एक्स स्क्वायर तीन दो पाँच एक्स प्लस छः, एक्स स्क्वायर तीन दो पाँच एक्स प्लस छः, तो बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस छः का शून्यांक एक्स का मान माइनस दो एक्स का मान माइनस तीन। अब देखिए इसका उल्टा चलना याद रखना, समझ में आ रहा है। अब देखो बताते हैं, अभी अस्थिर में अस्थिर रहना पूरा, तो अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं। देखो सत्यापन अस्थिर नास्थिर रहना पूरा एकदम अस्थिर, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। देखो सत्यापन देखने हैं, सत्यापन बोलो, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक है, बोलो तो शून्यांक दिया हुआ है, दिया किसका मान है, यानी दिया है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है, राशि राशि है, तो ये किसका मान है एक्स का मान, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर क्या है बीटा, नहीं एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो प्लस टू माइनस, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो, एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो, एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। और तब ये किस में आ गया, देखो गुणनखंड में आ गया, देखो तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो,
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या है जीरो। अब बोलो तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, पहुँच गए हैं। अब देखो जीरो हटाना है कि बोलो यहाँ पर तो संगत बहुपद या संगत गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यह गुणनखंड किसका है बहुपद का। इसे अभी बताए थे तो बता, जैसे ये भी देखो है जो बताए थे एक्स का मान माइनस टू एक्स का मान माइनस थ्री, यह गुणनखंड किसका है बहुपद का। एक मिनट रुको, ऐसे अभी तक बताए थे तुमको कि माइनस टू माइनस थ्री ऐसे तुमको दिया जाए, रुक जो ऐसे मतलब ये कि दिया है दो माइनस दो माइनस तीन द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ, मुठा समझा रहे हैं माइनस दो माइनस तीन द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक है। तो इसी किसका मान है x बराबर माइनस दो एक्स बराबर माइनस तीन, शून्यांक किसका मान x का मान होता है माइनस दो प्लस x प्लस दो बराबर जीरो x प्लस तीन बराबर जीरो, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर क्या है जीरो। तो संगत गुणनखंड एक्स प्लस टू एक्स प्लस तीन, बोलो गुणनखंड किसका है बहुपद का, जिसका शून्यांक है उसी का गुणनखंड है। कैसे कि कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छ बराबर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन, अस्थिर रहें पूरा अभी दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएगा, क्यों कहीं बराबर नहीं दिखे कहीं गुना कर रहे हैं एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर दू एक्स थ्री एक्स छ एक्स स्क्वायर तीन दू पाँच एक्स देखिए छः बराबर देखिए। तो जिसका शून्यांक है उसी का गुणनखंड है कि माइनस दो माइनस तीन द्विघात बराबर इतना का शून्यांक है। तो शून्यांक किसका मान है एक्स का मान है, एक्स का मान माइनस टू एक्स का मान माइनस थ्री माइनस दो प्लस बराबर जीरो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, तो संगत गुणनखंड जीरो हट जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन। ये जो गुणनखंड आया किसका आया जिसका शून्यांक है, तो ये शून्यांक किसका है एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छ, तो ये गुणनखंड उसी का है। तो कह सकते एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छ बराबर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन, सही है कि नहीं बोलिए बराबर लिख सकते कि नहीं। इस बहुपद का शून्यांक माइनस दो माइनस तीन है, शून्यांक किसका मान है एक्स का मान माइनस दो एक्स का मान माइनस तीन माइनस टू प्लस माइनस से उल्टा चलना उल्टा इसे, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। तो संगत गुणनखंड एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस क्या है तीन, गुणनखंड किसका है जिसका शून्यांक है, गुणनखंड किसका जिसका शून्यांक है। शून्यांक एक्स स्क्वायर प्लस क्या फाइव प्लस स्क्वायर क्या है छः, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस क्या है तीन, तीन दोनों बराबर है कि नहीं, क्यों या किसका माइनस टू माइनस तीन किसका शून्यांक है एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छ, या किसका गुणनखंड आया तो बहुपद का, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखो जाँच कर लो, जाँच करें एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर दो गुना एक्स दो एक्स तीन गुना एक्स थ्री एक्स
तीन दूनी छः एक्स स्क्वायर प्लस तीन दू पाँच एक्स प्लस छः। देखिए न्याय देखिए ना बोले तो जिस बहुपद का शून्यांक रहता है उसी गुणनखंड होता है और दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है बराबर सेम बराबर है। अब आ जा अब देखें यहाँ शून्यांक कौन कौन था चलो दिया है अल्फा बीटा। अब आओ इसमें आओ इसमें आओ दिया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद कितना का शून्यांक दिया हुआ है अब बोलो तो इस शून्यांक किसका मान है एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा बराबर अब प्लस तो माइनस एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो हो गया। और तब संगत गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा चूंकि यह किसका गुणनखंड है तो बहुपद का है बहुपद कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी यह गुणनखंड किसका आया बहुपद का आया जैसे ये गुणनखंड किसका आया बहुपद का आया तो आपस में क्या बराबर होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वनखन किसका है बहुपद का है तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा गुने एक्स अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखें एक्स स्क्वायर लो कॉमन माइनस एक्स कॉमन माइनस कॉमन ले लिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिए कौन माइनस यहाँ कॉमन लिए एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है जीरो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर और यहाँ लिए कॉमन माइनस यहाँ लिए कॉमन एक्स माइनस कॉमन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा जोड़ बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। अब क्या है देखो अब है कि एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक और अचर पद को तुलना करें यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए और यहाँ गुणांक क्या है एक यहाँ एक छिपा हुआ है तो ए बराबर देखिए सर है यहाँ यहाँ दिखाइए रुक नास्थिर नास्थिर है तब जैसे देखिए है रही नास्थिर अस्थिर है देखिए तो मानी अलजबरा में क्या है तुलना किया जाता है यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है यहाँ गुणांक क्या है एक यहाँ एक छिपा हुआ है ए बराबर एक इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक्स का गुणांक क्या है बी यहाँ बी
यहां गुणांक क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस क्या है बीटा, यहां है गुणांक क्या हुआ, माइनस अल्फा प्लस बीटा समीकरण दो। अचर पद क्या है सी, इसमें एक्स वाई नहीं अचर पद है, यहां अचर पद क्या अल्फा इंटू बीटा, तो सी बराबर अल्फा इंटू बीटा समीकरण तीन। यहां एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स स्क्वायर गुणांक एक, ए बराबर वन, एक्स का गुणांक बी, यहां बी है, यहां एक्स का गुणांक माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तुलना क्या था तुलना अस्थिर हो। अचर पद सी है, अचर अल्फा इंटू बीटा है, अब देखिए है दो भागा एक, तो दो क्या है तो दो बी अब बटा ए बराबर, अब माइनस दो भागा एक एल एच एल एच एस के साथ आर एच एल एच एस के साथ, पहले दो भाग में क्या दो ऊपर एक नीचे, बी बटा ए अल्फा प्लस बीटा बटा एक, तो बी बटा ए बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना तो भाग, ऐसे माइनस एक्स बराबर चार, एक्स और क्या होगा माइनस चार, क्यों यहाँ छिपा रहता है माइनस एक गुना एक्स बराबर चार, एक्स बराबर चार बटा माइनस एक, एक्स बराबर माइनस फोर, गुना तो अच्छा गुना तो भाग, तो माइनस बी बटा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, देखिए सिद्ध हो गई तानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए अस्थिर अभी। आ देखिए है फिर देखें तीन भागा एक, तो तीन क्या है सी, एक क्या है ए, आई अल्फा इंटू बीटा ए क्या है एक, तो सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, लेकिन अभी नहीं डुकस्थिर, अभी कहाँ समझेगा तू, अब समझा अब देखी अब आ लो मेन पॉइंट, इसी को समझा रहे हैं, हम समझाएं कहाँ मन से, ये जहाँ समझा तब करना मैसेज, अभी नहीं पुराने समझाए हैं तब करना मैसेज। अब देखो यह सिद्ध कर दिए हैं लेकिन अभी नहीं, अभी तुम अस्थिर से रह, हम फिर बताते हैं, अली देखो फिर देखो, अगर जहां समझा तो लेसन खत्म, जैसे अभी था देखो एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छ था भी, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस छ था, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन एक्स प्लस टू, तीन कॉमन एक्स प्लस टू, जो ध्यान से देख रहा है बस पांच में खुश हो जाएगा, समझ जाएगा, अजय लगा कि क्या क्या लिखते हैं सर, तू तो है दिक्कत पड़ जाओगे, तो देखो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन, जिसका संगत समीकरण एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, बराबर जीरो। अब देखो जानते हो यहाँ तुम मैंने बहुपद में तुम कितनों से गुना कर दो, कितनों से गुना करोगे तो शून्यांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस टू बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस टू, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो एक्स बराबर माइनस तीन, जैसे देखिए है तो किताब क्या कहता है कि बहुपद में तुम कितनों से गुना कर दो शून्यांक पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, कैसे देखिए कहीं मान लो तो यहाँ गुना कर रहे नहीं, यहाँ तुम दिया दस दे, अब बोलिए कि दस यहाँ गुना कर नहीं दस, तो ये पूरा में दस आ रहे हैं,
यहाँ दस आए थे, अरे यहाँ दस आए थे तो दस गुना तो भाग, अगर दस है तो यहाँ तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो बटा दस, तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस टू, एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस तीन। देखिए कोई अंतर है, अब तुम गुणा कर दो सौ से यहाँ, तो सौ से तो यहाँ भी सौ रहेगा, यहाँ भी सौ रहेगा, यहाँ भी सौ रहेगा, यहाँ भी सौ आ जाएगा, तो गुना तो भाग बटा सौ बटा तो जीरो आ जाएगा। ये बोलो तो कोई फर्क पड़ेगा? तो बहुपद में तुम कितना से भी गुना कर दोगे इस शून्यांक पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। आ किताब में गुना किया कितना से, किए से, तो कुछ किताब की बात मानना पड़ता है। अब हो गया फाइनल, अब हो रहा फाइनल, नहीं अब चलिए आइए, अब हो जाएगा फाइनल जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब कर रहे हैं फाइनल, और तब करना मैसेज, ऐसा तुम बेकार न पढ़ाते हैं, ऐसा कहते हैं तुम कोई मैसेज करेगा कि नहीं समझे हैं तो बेकार पढ़ाते हैं। अब जो सही से सत्यापन, सत्यापन, हाँ बोलिए क्या दिया है जी, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है न, दिया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या है, शून्यांक है। तो शून्यांक है तो किसका मान है, एक्स का मान है। तो बोलो तो एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर अल्फा आ एक्स बराबर बीटा, समझे, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक है। वह किसका मान है, एक्स का, एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर क्या है बीटा, प्लस दो माइनस, इसका उल्टा देखो चलते, इसका उल्टा चलता है, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। देखें एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या है जीरो, इसके बाद गुणनखंड में आ जाता है, उल्टा चलते हैं तो गुणनखंड में आ गया, तो संगत गुणनखंड, संगत गुणनखंड, एक्स माइनस अल्फा एक्स, अच्छा रुक जो थोड़ा सा, अब हम किताब की थोड़ा बात मानते हैं, किताब का, किताब में क्या किया है, के से गुना किया, के से तो ही बताए थे हम कि कितनों से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा शून्यांक पर नहीं, तो दोनों ओर, दोनों ओर के से गुना करने पर, यानी के किताब में गुना केस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सौ से कितनों से गुना करेगा तो शून्यांक कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम किताब मान लिए, तो के इंटू
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जीरो गुना के इंटू एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो बराबर जीरो। तो के गुना जीरो जीरो के से गुना करने पर दोनों और समान अंक से गुना कर सकते हैं, नहीं भी करते भी सिद्ध कर दिए थे हम, यदि नहीं भी गुना के तब भी सिद्ध कर दिए थे हम। तो बोलो तो दोनों और केस गुना करने पर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जीरो गुना के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो। तब संगत गुणनखंड के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब बोलो तो यह गुणनखंड किसका है जिसका शून्यांक है, बताए थे गुणनखंड किसका जिसका गुणनखंड किसका जिसका शून्यांक है ना, बताए थे कि इतना आया है तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स प्लस छः बराबर एक्स प्लस दो इंटू एक्स प्लस तीन, इसी का शून्यांक है। तो जिसका शून्य गुणनखंड जिसका शून्यांक है उसका गुणनखंड है, उन आपस से बड़ा वैसे यहाँ दिन था, देखिए एक्स का मान दो माइनस तीन प्लस दो माइनस माइनस दो प्लस एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो, गुणनखंड आ गया। ये गुणनखंड किसका है, बहुपद का है। तो बोलो यहाँ तो बोलो यहाँ क्या होगा तो एक्स हाँ ए एक्स स्क्वायर गुणनखंड किसका है, इस बहुपद का है। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो के अब यहाँ एक्स एक्स उन्हें एक्स एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स अब प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा एक्स अब प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यानी के नहीं हो तो यू बना दिए थे हम, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू के गुना एक्स स्क्वायर। मैंने ये जो गुणनखंड आया किसका आया, बहुपद का जिसका शून्यांक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुने अल्फा अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स कॉमन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा जोड़ बीटा अब प्लस अल्फा इंटू बीटा के गुण एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स और के इंटू अल्फा इंटू बीटा। और तब क्या होता है यहाँ अलजेब्रा में कि एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक
तथा अचर पद को तुलना करने पर कंपरिजन तुलना करने पर अब देखिए करना मैसेज कि तुम समझा कि नहीं। देखिए है और सफलता मिल रहा रुक जो ऐसे कर दी वैसे दिस हाँ ऐसे दिस देखो तो एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए यहां क्या है के तो ए बराबर के ए बराबर के इक्वेशन फर्स्ट एक्स का गुणांक बी एक्स का गुणांक माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा तो बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा समीकरण दो अचर पद सी और अचर पद यहां के इंटू अल्फा इंटू बीटा तीन। देखिए भाई एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर एक्स स्क्वायर गुणांक ए एक्स स्क्वायर गुणांक के एक स्थान पर के एक्स का गुणांक बी एक्स का गुणांक माइनस के अल्फा प्लस बीटा तो बी के स्थान पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा अचर पद सी अचर पद के अल्फा इंटू बीटा तब समीकरण दो भागा एक हारू जाओ। आप देखो यहां पहला साबित करना हमको है ये पहला तो पहला के लिए क्या करेंगे पहला है तो पहला है तो या छोड़ने पर लेकिन पहला लिखना चाहिए पहला ही तो पहला के लिए तो समीकरण एक भागा दो दो हाँ समीकरण दो भागा एक यहां दो तो इन भागनियों क्या है एल एच एस के साथ भाग दो आर एच एस के साथ भाग दो यहां बोलो तो दो भाग दो ऊपर रहेगा एक नीचे है दो भागा एक बी बटा ए बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा अब बटा के तो के कट गया तो बी बटा ए माइनस अल्फा प्लस बीटा तो गुना तो भाग तो माइनस बी बटा ए बराबर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर इसलिए यह माइनस है चार बराबर माइनस एक्स तो माइनस चार बराबर एक्स क्यों यहां एक छिपा चार बराबर माइनस एक गुना एक्स एक्स तो माइनस चार बराबर एक्स तो गुना तो भाग
बी बटा ए, देखिए साबित हो गया। देखो ये प्रूफ। तब देखिए है एक चीज और सुन नहीं यहां पर कि एक चीज सुन नहीं, अल्फा बीटा शून्यांक है, तो शून्यांकों का योग, देखिए शून्यांकों का योग देखिए है तो माइनस बी बटाई, तो अल्फा जोड़ बीटा शून्यांकों का योग है, या यहां तक ही साबित हो गया। सुन लो यहां तक साबित हो गया, आई तुमको हिसाब में काम देगा। अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा बीटा शून्यांक है तो शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए, तो माइनस, अब बी किसका गुणांक है तो बी गुणांक है एक्स का, तो माइनस एक्स का गुणांक अब बटा ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये मैंने फार्मूला तुमको हो जाएगा, मैं हिसाब में कभी काम देगा, ये बहुत काम देगा हिसाब में तुमको, साबित तो यहीं तक हो गया। और वो हिसाब में अल्फा ये तो साबित ही तो हो गया, लेकिन आगे बढ़ गया, अल्फा जो अल्फा बीटा शून्यांक है तो शून्यांकों का योग माइनस, यहाँ देखिए माइनस बी बटा ए, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक, ऐसे करना चाहते ऐसे कर देते हैं, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हिसाब में काम देगा है ना, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ऐसे जो थोड़ा तब फिर बतेबो तो रुक ना शांत है ना। अब देखिए है अब स, अब दूसरा बना दूसरा बना दूसरा ही ये दो समीकरण तीन भागा एक तो तीन सी एक ए आई आर एच एस एल एच एस एल एच एस आर एच एस आर एच एस तीन भागा तीन ऊपर रहेगा के इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा के कट गया तो सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, एक ही बात इधर दे दी प्रूफ। आज तुमको जब यहाँ के अल्फा इंटू बीटा गुना है तो शून्यांकों का शून्यांकों का गुणनफल तो सी बटा ए, तो सी क्या है अचर पद, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोनों हिस्सा में काम देगा, ये घेर देंगे इसे हिस्सा में काम देगा हमको, काम देगा इसको कि शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए, सी कौन पद है सी यहाँ अचर पद है, देखो सी अचर पद है और ए किसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ माइनस एक्स का गुणांक बट एक्स स्क्वायर गुणांक, अब अस्थिर हुआ तब करना मैसेज दिया है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है। अब साथ ही बोलो शून्यांक किसका मान होता है एक्स का, एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा प्लस टू माइनस प्लस टू माइनस, गुणनखंड में आ गया दोनों के से गुना करने पर के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जीरो इंटू केस गुना क्यों किए, क्योंकि केस किताब गुना क्या है सॉस करिए केस करिए बीस करिए कोई अंतर नहीं पड़ता है,
केस गुना कर दिए, जीरो ना के जीरो, तो संगत गुणनखंड तो जीरो हट जाएगा, गुणनखंड आ गया। ये गुणनखंड किसका है? तो ये बहुपद का, इसका शून्यांक है, गुणनखंड होता है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुणा कर दिए एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन अल्फा माइनस तो प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, के उन एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स और के इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को मा एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर, तुलना कर दो तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, यहाँ ए हुआ, गुणांक क्या है के, यहाँ के हुआ, ए बराबर के इक्वेशन फर्स्ट। एक्स गुणांक क्या है बी, यहाँ गुणांक क्या है माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, समीकरण दो। अचर पद क्या है सी, अचर पद सी है, अचर पद क्या के अल्फा इंटू बीटा, समीकरण तीन। समीकरण अब देखो ये तुलना किया जाता है, समीकरण दो भागा एक तो दो बी बटा ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा बटा के कट गया, बी बटा ए माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना तो भाग अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए प्रूव हो गया। आगे क्यों बढ़ाए हिसाब में काम देगा, तो अल्फा बीटा शून्यांक है, यहाँ जोड़ है शून्यांकों का योग, तो माइनस बी बटा ए तो माइनस, अब बी किसका गुणांक है एक्स का, तो एक्स का गुणांक, अब बटे ए किस, यहाँ ए है ए किसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब तब दूसरा करें सिद्ध सर, तो तीन भागा एक तो तीन क्या है सी, एक क्या ए तो सी बटा ए के इंटू अल्फा प्लस बीटा बटा के कट गया, सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए प्रूफ। अब यहाँ गुना है तो शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए, तो सी कौन पद है अचर पद है, सी अचर पद यहाँ है, और एक्स स्क्वायर ए क्या है एक्स स्क्वायर गुणांक है, साबित कर लिए, ये हमको हिसाब में काम देगा। समझ में आया मैसेज कर लाओ, अब देखिए कितना ने समझता है, समझ मैसेज कर, तो सोया हुआ है रे, सो गया क्या रे अरे बा मैंने तरह तरह हिसाब हल्का अच्छा भाई काला हो की करियो, गलियो दुकान को काला दे, कल ले वो नील ब्लू ले वो कल, अरे बा पूरा दम तो पूरा है। मुझे हल्का समझ में, हल्का क्या है समझ में आया, कहाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बोल तो, हाँ कहाँ दिक्कत है बोल, यहाँ क्या दिक्कत है बोलो, कि दिया है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है, तो शून्यांक है तो किसका मान है एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, प्लस तो माइनस प्लस तो माइनस, इसको उल्टा चलते हैं तो फिर गुणनखंड में आ जाए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो, और दोनों और के से गुना करें, किताब गुना क्या के से, और तब के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और जीरो गुने के तो जीरो हो जाएगा, और तब संगत गुणनखंड के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, गुणनखंड किसका है जिस बहुपद का शून्यांक है,
शून्य अंक इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब के किससे निकालते इंकवा वहां से एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी के इंटू, क्योंकि गुणनखंड किसका है तो इस बहुपद का गुणनखंड है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो के यहाँ रहने दिए एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, एक्स कॉमन माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा एक्स के अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक तथा आचार पद को तुलना करने पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, यहाँ गुणांक क्या है के, ए बराबर के इक्वेशन फर्स्ट, एक्स का गुणांक क्या है बी, एक्स गुणांक क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा समीकरण दो, आचार पद क्या है सी, आचार पद क्या है के इंटू अल्फा प्लस बीटा, आचार पद हो गया तुलना क्या था अथी में अलजबरा में, यहाँ ए का स्थान पर के, बी का स्थान पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी का स्थान आचार पद, अतः फर्स्ट लाना अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटा ए, तो समीकरण दो भागा एक, दो पहले दो रखो पर बी और तब ए, एल एच एस एल एच एस में भाग आर एच एस में भाग देंगे तो बी बटा ए माइनस के अल्फा जोड़ बीटा बटा के कट गया तो बी बटा ए माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना तो भाग माइनस बी बटा ए अल्फा जोड़ बीटा अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी, यहीं तक साबित हो गया, लेकिन आगे तुम हिसाब बनाओगे उसमें काम देगा अल्फा जोड़ बीटा ये शून्यांकों का योग है तो माइनस बी बटा ए तो माइनस आगे रखें, अब बी किसका गुणांक है एक्स का गुणांक, ये ऐसी बता रहे हैं घेर दिए हैं नोट में तो एक्स का गुणांक तो माइनस आगे रखें, अब बी किसका गुणांक है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, और तब समीकरण दो लाना है तो समीकरण तीन भागा एक, तो तीन क्या है सी, ए क्या है ए सी बटा ए, सी बटा ए कि अल्फा इंटू बीटा बटा के कट गया सी बटा ए अल्फा इंटू बीटा इंटू सी बटा ए प्लोट, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए, सी कौन अचर पद है, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है सी, यहाँ क्या है सी तो सी कौन पद है अचर पद, देखिए सी अचर पद है, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, है? अच्छा अब री बताएंगे तो और समझ जाओगे, अब री अब अगला परमेय दो, परमेय दो चल रहा है बोलो चलिए बोलो कहने ऐसी रहें, कुछ भी काम करने के लिए पहले समझना पड़ता है, ऐसा कैसे हो जाएगा पढ़ा है ना हो नहीं पढ़ोगे तब वैसे रह जाओगे, जो नहीं पढ़ता इसका बेसिक नहीं ठीक रहता है कितना तू पढ़मी नहीं पढ़ा पढ़मी, हाँ आइए अब देखिए अभी क्वेश्चन तो लिखे ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में मिटा देंगे हाँ सो हाँ क्योंकि नया टेगा अभी, हाँ चलो पहले तुम क्वेश्चन उतार लेना, परमेय दो देखिए परमेय दो खुल रहा
अथवा परमेय दो यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद किताब में हो पेज नंबर 2.10 अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डी का शून्यांक है तो साबित करें फर्स्ट में तो साबित करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा माइनस अल्फा सी बटा ए और तीसरा है अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटाई इसको याद कर जाओ और तब इसको अथी मिटाएं क्वेश्चन तक नहीं अटेगा इसे याद कर जाओ पहले याद कर जाओ यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यांक है तो साबित करें कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बटाए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बटाए अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए क्लियर अब देखो क्वेश्चन याद कर लिया क्वेश्चन याद कर लिया क्वेश्चन याद कर लिया लिख लो क्वेश्चन क्वेश्चन याद कर लो अच्छा इसको थोड़ा निकल देते हैं हाँ कर लिया लिख लिया इसको वही लिख लो याद कर लिया यस सर हाँ यस सर नो कह रे तो क्वेश्चन मो नो सर के है रे खाई नहीं ये बोलता खाली ये लड़का खाली नो नो करा बोलो ना अभी क्वेश्चन कहने क्वेश्चन उतार लिया जी तो नो करा भी तो नोवे जानता ही क्वेश्चन याद कर लिया क्वेश्चन नो लिखता आरो पगला रोहित कुमार नो सर पगल ये क्वेश्चन माँ याद कर नहीं आप मैंने क्वेश्चन को याद करो क्वेश्चन मिटा रहे हैं तुमको याद करो कौन दिक्कत है याद उतार लो ओ तंग करता है लगता है क्योंकि नो अभी क्यों कर रहा है अभी समझेबो न के नो लिखने हैं अभी समझाए ने नो लिखने हैं अपने क्वेश्चन मान भाई आर पागल अभी क्वेश्चन मा कर क्वेश्चन मा याद कर नहीं अभी नो कहता पगला नो नहीं अभी क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग उतार लीजिए अब आगे बढ़ते हैं याद कर लिए हाँ अब क्लियर है अब आ गया सही रास्ता पर हाँ चलो
यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी का शून्यांक है कि साबित करना है। अब देखिए सत्यापन हो जाओ सही से सत्यापन देखो खाली नहीं रहते मैं नो कहता अरे पागल अभी समझे उनके तो नो पहले किए हुए हैं अभी नो कहा कहता है सुबह सर से यानी पढ़ाने दिमाग लगाओ इस वो सर के पढ़ाए रह रहे वो सर के पढ़ाए सहना मुश्किल है रहे सत्यापन हाँ दिया है अल्फा बीटा गामा गामा त्रिघात बहुपद बी एक्स स्क्वायर डी का शून्यांक है। हाँ तब बोलो बेटे दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना का शून्यांक है। अब बोल दो तुम लोग तो शून्यांक किसका मान होता है शून्यांक किसका मान होता है क्या लिखा है शून्यांक किसका मान होता है क्या लिखा है एक्स का राइट क्या लिखा है हाँ राम राम बालक अरे वाह पूरा राइट हाँ एक्स का मान होता है राइट तो एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा एक्स बराबर गामा यानी शून्यांक एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा एक्स बराबर गामा ठीक है रखो अब ध्यान देना तो शून्यांक होता है एक्स का मान एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा एक्स बराबर गामा प्लस टू माइनस एक्स माइनस अल्फा बराबर जीरो एक्स माइनस बीटा बराबर जीरो एक्स माइनस गामा बराबर जीरो गुणनखंड आ जाएगा कैसे नहीं देता एक्स माइनस तीन इंटू एक्स प्लस तीन बराबर जीरो या दूध देखो दो तो एक्स माइनस तीन बराबर जीरो एक्स बराबर तीन एक्स प्लस टू बराबर जीरो एक्स माइनस देखिए यही चीज है उल्टा चले यहाँ बात गुणनखंड में आ जाता है अब जो क्या आ जाएगा तो एक्स माइनस अल्फा यहाँ देखिए एक्स माइनस अल्फा जीरो बीटा जीरो गामा जीरो अब गुणनखंड में आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर जीरो आ तब दोनों ओर कैसे गुना करने पर कर दो कैसे तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा जीरो गुना के गुना किताब में के गुना किया है तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर जीरो तब संगत गुणनखंड बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा अब यह किसका गुणनखंड है इस बहुपद का गुणनखंड है
या किसका गुणनखंड है? इस बहुपद का गुणनखंड है। तो कह सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब देखें यहाँ ध्यान दें, थोड़ा सा देखिए है तो के पहले दो गुना कर दो, एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुने अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा के। अब देखो एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स गुने अल्फा एक्स अल्फा पहले दो गुना करना एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर एक्स गुने अल्फा अल्फा एक्स माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स करिएगा ऐसे एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स गुने अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स गुने बीटा एक्स स्क्वायर एक्स गुने अल्फा बीटा एक्स। ये किस तरह का चीज है? फिर कल हमको प्लस माइनस 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 प्लस अल्फ गामा गुने अल्फा गामा अल्फा एक्स यानी चक्रीय। देखिए चक्रीय क्या आता है? अल्फा बीटा गामा। तो चक्रीय का अर्थ क्या होता है? साइक्लिक, साइकिल पहिया घूमता है ऐसे। अल्फा बाद बीटा, अल्फा बाद बीटा, बीटा बाद गामा, गामा के बाद ऐसे गामाई, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, चक्रीय हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, चक्रीय हुआ साइक्लिक, इसे लिखते गामा अल्फा। तो माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स। अब माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा इसी पढ़ाई होगा है के एक्स क्यू। अब देखें अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अब माइनस गामा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स स्क्वायर गामा एक्स स्क्वायर अब प्लस ये हो गया ही अल्फा बीटा गामा। अब तब देखें अभी नहीं एक्स वाला अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा अल्फा बीटा एक्स बीटा गामा एक्स गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब देखें के एक्स क्यू अब नहीं कॉमन ले एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस कॉमन माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस अब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स अब माइनस अल्फा बीटा गामा। तो के गुना एक्स क्यू के एक्स क्यू के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ के गुना ना के इंटू एक्स के एक्स क्यू के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब के अल्फा बीटा
बीटा गामा एक्स, फिर के अल्फा बीटा गामा, देखो इतना लाए। तो तुम यहां से नहीं समझाओगे, यहां से अगर तुम यहां समझोगे ना तो तुमको आसान पड़ जाएगा। इसे देखो, ये तुम समझ गया होगा यहां से, देखिए इसे है ऐसा। देखो देखिए, अल्फा बीटा गामा शून्यांक है, एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा, एक्स बराबर गामा, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस जीरो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा जीरो, तो केस गुना करने पर तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा जीरो, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स गामा जीरो, संगत गुणनखंड के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, ये किसका गुणनखंड है? इस बहुपद गुणनखंड है। तो के दो गुना एक्स गुना एक्स एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना अल्फा, अल्फा एक्स, माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स माइनस गामा। गुना कर दिए इसको, गुना कर दिए, एक ही बात है। इसी अंदर रखिए, एक्स एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स, माइनस प्लस माइनस बीटा एक्स, अल्फा इन टू बीटा, एक ही बात है, कौन दिक्कत है? ऐसे रख देते हैं। अच्छा, एक्स माइनस अल्फा, अब फिर गुना करें के, एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स गुने अल्फा एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा एक्स माइनस प्लस माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा एक्स माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, और तब एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक साथ, अल्फा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, एक्स 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 एक्स, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर के एक्स क्यू माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स कॉमन, एक्स 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 कॉमन, माइनस अल्फा बीटा गामा, अब गुना करो के एक्स क्यू
गुना कर दो के एक्स क्यू, ये गुना हो समी गुना के एक्स क्यू के इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर, के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, माइनस माइनस के अल्फा बीटा गामा, इसको ना कर दिया। अतः ये क्या आया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, अब तब एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक तथा अचर पद को तुलना करने पर अब देखिए तुलना कर देंगे तुलना, एक्स की गुणांक क्या है ए, ए बराबर एक्स क्यू का गुणांक ए, एक्स जी गुणांक ए बराबर के इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर गुणांक बी, तो बड़ा कर देते हैं ये बाबा है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर गुणांक बी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है माइनस, तो बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समीकरण दो। एक्स गुणांक सी एक्स एक्स गुणांक तो के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा तीन, अचर पद डी यहाँ अचर अचर पद ये एक बस असरता है अल्फा बीटा गामा चार देखी है, अतः देना दू भागा एक अतः बनेगा, अब टाइम हो गया है अब पूरा नहीं हो लो कितना टाइम है कितना टाइम हो लो ओ तब टाइम हो गया भाई, तो ऐसा करी है इसको तो आ गया कि बनाना तुम पूरा करना एक दू दू भागा एक तीन भागा करना और उसके बाद कल बताएं इसको शुरू से, इसको कल बताएंगे शुरू से आज लेट हो गए लोग तो कल यह पुनः होगा, इसको जान तो आगे बनाना छोड़ देते हैं, गुड नाइट शुभ रात्रि, कल फिर बताएंगे, अभी थ्योरी है तुम्हें हिसाब होगा छोड़ देते हैं अब जाओ।